हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक एनालिसिस करेंगे, इसका नाम है टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी, हमने एक महीने पहले हमने टाटा एलेक्सी पे एक वीडियो बनाया था कि विल टाटा एलेक्सी शेयर फॉल अप टू 3900, क्योंकि उस समय हमने एक न्यूज़ को हाईलाइट किया था जिसमें बताया गया था कि जेपी मॉर्गन ने टाटा एलेक्सी को डाउनग्रेड किया है। तो जब कोई ब्रोकरेज डाउनग्रेड करता है तो मार्केट को एक रीज़न मिल जाता है कि हाँ चलो ये जो है प्राइस वहाँ तक गिर सकता है। तो सेंटिमेंट, तो बोलते हैं शॉर्ट टर्म में जो है सेंटिमेंट और लिक्विडिटी जो है मार्केट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और लॉन्ग रन में जो है कोई भी स्टॉक जो है फंडामेंटल के बेस पे वो फ्लाई करती है। तो जब हमने बनाया था तो उसमें कुछ 8000 के आसपास चल रहा था स्टॉक, 3900 का उन्होंने डाउनग्रेड किया था। तो अभी आप देखो कि ये सब जो न्यूज़ आ रही है, ठीक है, ये न्यूज़ जो है एक महीने से पहले से आ रही है, और कल मार्केट ने फिर से मार्केट ने आपको आपको पैनिक कर दिया। तो कल मुझे एक मैसेज आया कि सर, गुड मॉर्निंग सर, कैन वी बाई टाटा एलेक्सी एट करंट मार्केट प्राइस और वेट, आई जस्ट 5 नंबर्स, 7 8 5, 7 8 5 रुपये ना 5 स्टॉक्स लिए हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या मैं स्टॉक पे वेट करूँ, ऐड करूँ, क्या करूँ, आई वॉन्ट टू ऐड फ्यू मोर, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। तो मैंने उनको एक वॉइस मैसेज छोड़ा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने वॉइस मैसेज में क्या बताया और किस तरह से हमने उनको बताया कि आपको किस तरह से टाटा एलेक्सी देखना चाहिए। तो हो सकता है कि यदि हमारे कोई स्टूडेंट फंसे हुए हैं तो आप भी स्टॉक में कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे। तो कैसे हमें स्टॉक को एनालिसिस करना है, इस पर हम आप डिटेल एनालिसिस बताएंगे आपको। तो ये जो आप कल जो है स्टॉक रिजल्ट का इस पर अपडेट हुआ है, रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो स्टॉक कल जो है आपको दिखा कि 8% के आसपास स्टॉक ने फॉल दिखाया है। तो बोलते हैं कि वी आर द लास्ट पर्सन टू गेट द न्यूज़। ऐसा नहीं है कि ये जो स्टॉक गिर रहा है अभी गिर रहा है, बहुत दिनों से गिर रहा है, ठीक है। जो स्मार्ट पीपल होते हैं, जिनको उस सेक्टर की समझ होती है, उस कंपनी की डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है, वो लोग पहले से ही निकलते रहते हैं, ठीक है। तो जब जब बड़ा कैंडल दिखता है वहाँ पे, तो स्मार्ट पीपल समय के साथ निकल रहा है, जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। तभी आप देखो कि जो अभी जो उसने रिजल्ट लाया है, तो आप रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको उतना वीक नहीं दिखेगा रिजल्ट, आपको लेकर हाँ अच्छा अच्छा खासा चल रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो इनका जो आप सेल्स में देखेंगे, तो सेल्स में यदि हम ईयर ईयरली देखें, वाई एंड वाई सेल्स ग्रोथ देखें, तो आपको दिखेगा कि ये 28% का ग्रोथ दिखा गया है यदि हम सेप्टेम्बर 2021 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हालांकि थोड़ा सा कम दिख रहा है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ तो है, 28% है। आप यहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2021 सितंबर में 184 करोड़ का था, अब 227 हो गया है, 30% का मार्जिन। तो मार्जिन में थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि 1% का जो है फॉल दिख रहा है आपको यहाँ पे, यदि आप वहाँ 31% का था, यहाँ पे 30% हो गया है। लेकिन मार्केट को ये भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। तो मान लो कि सचिन तेंदुलकर की जो है, जो सचिन तेंदुलकर जो रन बना रहा है, मान लो कि हर एक मैच में बना रहा है 70 80 90, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, और किसी मैच में उसने 40 बना लिया, 50 बना लिया, तो वो जो है जो व्यूअर्स को डिसअपॉइंट कर देता है। जैसे मान लो कि दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि आप कोई बंदा अर्न कर रहा है, 50,000 कमाता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते 1 लाख होता है, फिर 1.5 लाख होता है, और 1.5 लाख सैलरी में जो है ना कुछ पोर्शंस वेरिएबल्स है जो उसकी अर्निंग को इम्पैक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो अभी जो है थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ उसकी सैलरी जो है 1.5 लाख से कम होकर 1.25 लाख हो गया, 1.25 लाख हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है सैलरी कम होगी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास कैलिवर नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनी जो है थोड़ा डिसअपॉइंट होगी कि हाँ इस साल में, इस जो है क्वार्टर में अच्छा रिवेन्यू नहीं आया, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई, तो परफॉर्मेंस डाउन हो गया। इट डजेंट मीन कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती है। उसी प्रकार यदि हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक पैसा बना रहा है लेकिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं हुआ, इसलिए मार्केट ने उसको पनिश किया। तो आप देखो यहाँ पे हमने जो है एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें हमने कुछ की पॉइंट्स हमने जो है हाईलाइट किया जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि टाटा एलेक्सी शेयर्स फेल ओवर 8%, 8% से गिर गया स्टॉक क्यूटी में, ठीक है। डिसअपॉइंटिंग द लास्ट ईयर को उसने डिसअपॉइंट किया है। तो क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो 8% से कल गिर गया स्टॉक, ठीक है। डिस्पाइट अनाउंसिंग द स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्यूटी, मतलब कि क्यूटी ने अच्छा है, फिर भी वो गिर गया स्टॉक। रिपोर्टेड 39% राइज इन नेट प्रॉफिट, 1743 करोड़ का क्यूटी में है, जो कि 39% आपको जंप देखा जा रहा है यदि आप पिछले साल के क्वार्टर को देखते हैं तो।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी ने बताया कि तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो है रिजल्ट अच्छा आया लेकिन एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ, इसलिए स्टॉक गिर रहा है। हालांकि जो उनके जो मैनेजमेंट है ने बताया कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग सॉरी लोकेशंस है, उनको जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बैंगलोर में एक्सपैंड कर रहे हैं, चेन्नई में, पुणे में कर रहे हैं, एंड बिल्डिंग न्यू टैलेंट बेस इन कोझीकोड एंड हैदराबाद, दो लोकेशन पे जो है। तो मतलब कंपनी जो है अपने लोकेशंस को एक्सपैंड कर रही है। फिर भी जो है जो अर्निंग जो है एक्साइट नहीं किया मार्केट को और वो स्टॉक गिर गया। तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने भी जो है उसमें डाउनग्रेड का टारगेट दिया है। तो ब्रोकरेज जो है कॉन्फिडेंट भी हैं कि ग्रोथ आएगा, लेकिन अभी जो है जिस तरह से मार्जिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो जो रिच वैल्यूशन था उस पर अभी कंपनी खड़ी नहीं उतरी। तो इसलिए जो है आईसी सिक्योरिटीज़ ने भी 8,456 का जो है टारगेट रखा है, तो अभी तो मार्केट उसके नीचे आ गया है। तो टाटा लेक्सी देखा जाए, टाटा लेक्सी जो है टाटा सन्स की सब्सिडरी है, जो कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, और ये जो है ये कंपनी जो है लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमेटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। दीज आर द सेक्टर्स जहाँ पे कंपनी जो है सर्व करती है। तो समराइज़ किया जाए तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स जो है अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है थोड़ा उतना अप टू द मार्क नहीं थे, इसलिए जो है स्टॉक ने पने से। तो ये जो है जो 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 टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो प्राइस से पहले से रीड करते रहते हैं। जब आप इस स्टॉक को जाके मंथ पे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है आप यहाँ पे यदि आप ऑब्जर्व कीजिए और ये बताइए, कमेंट कीजिए ये कैंडल कौन सा आपको दिख रहा है। ठीक है, मालूम है आपको आता है, फिर भी आप लिखिए, हो सकता है कि जो है आप जब हम आपको आंसर बताएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगी, आपकी सोच हमारी सोच मैच कर रही है। तो याद देखो ये जो है ये आपको शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, हालांकि शूटिंग स्टार ग्रीन है, थोड़ी सी हमें उम्मीद रहती है कि फिर से जा सकता है, लेकिन उसके बाद एक बेयर कैंडल बन गया, बेयरिश कैंडल बन गया, ये बताता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इसको ट्रैक कर सकता है, तो और स्टॉक गिर रहा है। तो मंथ पे भी आपको दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो है करेक्शन दिख रहा है, वो फिर आपको वीक पे भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। वीक पे भी ऊपर जाके उसने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया 3 वीक से, उसके बाद स्टॉक गिर गया। तो अभी जो स्टॉक अपने देखें तो वीक पे जो है 50 डेमा के आसपास स्टॉक ट्रेड, अभी तो बहुत बहुत महीनों से जो है वो 50 डेमा नीचे नहीं आ रहा है, तो ये स्टॉक यहाँ भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये स्टॉक जो है 7765 के आसपास लेवल है जहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। जैसे डेली बेसिस पर देखें तो डेली बेसिस पर आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है गिर रहा है, तो वो देखिए जब जब स्टॉक जो है बहुत भाग जाता है और लोगों को लगता है कि ये लेवल सस्टेन नहीं करेगा तो लोग प्रॉफिटिंग करते हैं। तो बोलते हैं कि स्टॉक में जो दो तरह से करेक्शन होता है, एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन, दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन। तो अभी प्राइस वाइज करेक्शन जो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हो चुका है, थोड़ा बहुत आपको इंट्राडे में आपको और स्पाइक दिख सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो है टाइम वाइज करेक्शन होगा। इट डजेंट मीन कि आप ट्रेडिंग के लिए ले लीजिए, ये अभी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं है, स्टॉक ठंडा हो चुका है। ट्रेडिंग के लिए हमें गर्म स्टॉक चाहिए जो हीटअप होता है, और गर्म हो सकता है और भाग सकता है, लेकिन ये स्टॉक ठंडा है, अभी गिर रहा है, गिर सकता है, टाइम लगा सकता है। तो ये स्टॉक अभी एक्यूमुलेशन के फेज़ में चला गया है। हालांकि आप स्टॉक को देखेंगे तो 200 दिनों की मूविंग एवरेज जो है, जिसको हम बोलते हैं कि स्टॉक जो सबसे बड़ा मूविंग एवरेज होता है, स्टॉक वहाँ पे आके अच्छे स्टॉक होते हैं वहाँ पे आके जो है रुक जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक जो है यहाँ तक 200 तक आ चुका है, तो प्राइस करेक्ट हो चुका है, सिर्फ आपको देखना है कि क्या वो उसके नीचे सस्टेन करता है। तो ये है एक्यूमुलेशन का फेज़, तो मुझे लगता है कि ये सब फेज़ जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अभी आप देखो ये स्टॉक गिरा हुआ है तो और कितना गिर सकता है, तो मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस करके आपको मैं एक लेवल दे रहा हूँ, जो आपके जो लोग लेवल्स के लिए लेवल्स चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, शॉर्ट टर्म चाहते हैं। तो अभी स्टॉक देखो कि टाटा एलेक्सी को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें 7782 का प्राइस चल रहा है उस पर, तो अभी मुझे लगता है कि इसमें जो फर्दर डाउन साइड आएगी तो 7782 से वो गिर के स्टॉक जो है 7650, 7350 एंड 6800 तक ये दी ज़्यादा डाउनग्रेड टारगेट है जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो 6800 बहुत एक्सट्रीम हो गया, तो ये दो लेवल तक हो सकता है कि मार्केट वो जो है उसको मार्केट में उसको फॉल यहाँ तक आ सकती है 7650 7350। अभी उसमें यदि अपसाइड आता है तो क्योंकि स्टॉक स्टेट चलता नहीं है, अप एंड डाउन करेगा, तो ऊपर जाएगा तो कहाँ जा सकता है, 8500, 9000 एंड सॉरी उसके बीच में जो है आप एक 8675 भी ले सकते हैं, 8500, 8675 एंड 9000, दीज आर द पोटेंशियल। ठीक है, वहाँ तक स्पाइक मार सकता है। तो ये आपको ट्रेडिंग में यदि आपको यूज़ करना है तो आप लेवल यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि मैं एज एनलिस्ट मैं आपको एडवाइस करूँगा आप स्टॉक में हैं तो आप स्टॉक को
होल्ड कीजिए। यदि आपको स्टॉक 10,000 रुपये अच्छा लग रहा था तो आपको 7,000 रुपये अच्छा लगना चाहिए, 6,000 पर लगना चाहिए। तो ये बायस इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक की जो है कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग रहता है मैं पहले बोलता एग्जिट मार दीजिए स्टॉक का, ठीक है। कंपनी ऐसा भी नहीं कि अर्निंग बहुत डिसअपॉइंट किया है, हाँ एक साइन है कि वीकनेस का साइन है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा एलेक्सी गिर रहा है। आप देखें तो इन्फोसिस में काफ़ी फॉल हुई थी, हालांकि इन्फोसिस अब जो है धीरे धीरे फिर से ऊपर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म बोलते हैं कि जो है स्टॉक मार्केट जो है वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म वेइंग मशीन है। लॉन्ग टर्म वही सर्वाइव करता है जो अच्छी कंपनी होती है, फंडामेंटल से होते हैं। तो प्राइस करेक्शन होता है, मोमेंटम भी आती है, करेक्शन भी आती है। तो ये टाटा एलेक्सी पे करेक्ट कर रहा है, जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो लोग इन्वेस्ट नहीं किए हैं वो धीरे 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 जब स्टॉक गिरता है तो मत कीजिए, गिर के जब उठने लगता है तब आप उठाइए स्टॉक को, फिर जब ऊपर जाने लगता है तो और स्केल अप कीजिए। इस तरह से आप स्टॉक एक्यूमुलेट कीजिए। तो मैं होप करूँगा कि मैंने जो आपको एक डिटेल एनालिसिस बनाया है तो ज़रूर आप इस जो है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ आपने समझा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो आप इसको, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा आपको जो पूरी एनालिसिस, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। यदि आप देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो पॉजिटिविटी पर ध्यान दीजिए क्या सीखा आपने, और जरूर कमेंट। हाँ इंप्रूवमेंट है वो भी आप डाल सकते हैं, कहाँ हमें इंप्रूव करना है ताकि हम और अच्छे से कंटेंट बनाते रहें, ठीक है। तो अभी स्टॉक का आरएसआई भी देखना तो वो आपको 31 का ओवरसोल्ड चला गया, तो स्टॉक गिर चुका है और समय लगा सकता है, गिर सकता है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। फर्दर जो एनालिसिस होगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो जगदीश स्टॉक में क्लासेस है वहाँ पर डाल देंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि एक इंग्लिश वर्जन में भी एक वीडियो मैं शूट करूँ जो मैं जगदीश झा इंग्लिश पर डाल दूंगा, और एक शॉर्ट वीडियो भी डालूँ ताकि कुछ लोग शॉर्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे जगदीश झा शॉर्ट्स पर जा सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।